नमस्कार, मैं हूं विद्या सागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार उन्होंने मुसलमानों की तरक्की को लेकर उनको जागरूक होने की बात बोली है। क्या कुछ कहा है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जब एकनाथ शिंदे नेता बन सकता है, जब फडणवीस नेता बन सकता है, तो क्या महाराष्ट्र का मुसलमान शरद पवार की तरह, उद्धव ठाकरे की तरह, शिंदे की तरह नेता नहीं बन सकते? अपने तीखे और तल्ख बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपने बयान से एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल ओवैसी मुंबई के ठाणे पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए वहां के मुसलमानों से सवाल पूछ डाला। ओवैसी ने कहा कि जब अजीत पवार, सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे नेता बन सकते हैं, तो महाराष्ट्र का मुसलमान क्यों नहीं नेता बन सकता है? अरे जब राष्ट्रीय कांग्रेस वाले अजीत पवार नेता बन सकता है, सुप्रिया सुले नेता बन सकती है, उद्धव ठाकरे अपने बाप का बेटा होने की बिना पर नेता बन सकता है, जब एकनाथ शिंदे नेता बन सकता है, जब फडणवीस नेता बन सकता है, तो क्या महाराष्ट्र का मुसलमान शरद पवार की तरह, उद्धव ठाकरे की तरह, शिंदे की तरह नेता नहीं बन सकते? क्या तुम नेता नहीं बन सकते? क्या तुम लीडर नहीं बन सकते? ओवैसी इतने पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि तुम ओवैसी को मजबूत मत करो, इस सियासी सफर को हमें और आगे लेकर जाना है। यहाँ जो बच्चे और नौजवान बैठे हैं, हमें उनका भविष्य अच्छा करना है, इसलिए तुम मजलिस को मजबूत करो। यही मेरी जिंदगी का मकसद है कि तुम लोग कौम के लीडर बनो। को एक अपील करता हूँ कि इस सियासी सफर को और आगे लेकर जाना है हमको, ताकि ये जो नौजवान बच्चे हैं, जो 21-22 साल 25 साल के हैं, ये जो मासूम बच्चे आज 14-15 साल की उम्र में ये बैठे हुए हैं, उनके मुस्तकबिल को अच्छा करना है, तो मजलिस को मजबूत करो। तुम असदुद्दीन ओवैसी को, इम्तियाज जलील को, अख्तरुल ईमान को मजबूत मत करो, तुम मजलिस को मजबूत करो। अरे हम मिट जाएंगे, इस जमीन की गिजा बन जाएंगे, मगर मुस्तकबिल तुम्हारा है। मैं अगर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरी ऐनी ख्वाहिश यह है कि अल्लाह मुझसे बेहतर लीडर पैदा कर दे। मेरी ख्वाहिश यह है कि तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कौम के सदर बनो, ताकि तुम क़यादत करो। ये मेरे जिंदगी का मकसद है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देने की अपील करते हुए अपना नेता चुनने को कहा। गौरतलब है कि ओवैसी पहले भी इस तरह की बातें बोल चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि कोई भी पार्टी मुसलमानों के आरक्षण के मुद्दे पर भी बात नहीं करती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुसलमान है, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता। बहरहाल ओवैसी की ये टिप्पणियां कोई नई नहीं है, क्योंकि वे पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि राजनीतिक दल मुसलमानों को केवल वोट बैंक के तौर पर देखते हैं, जिसका जवाब मुसलमानों को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।